नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं डेटा डॉक। आज डेटा डॉक का पांचवा टेक सेशन है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फाइनली मुझे जियो का दोस्त से मिल गया है। ये मुझे मिला यहाँ के लोकल रिलायंस डिजिटल सोर्स से नहीं, ये मैंने उनका ऑफिस है, यहाँ पर लोकल एक ऑफिस है कोलकाता में, मैंने उनका ऑफिस विजिट किया, एक दो क्लिपिंग्स जैसे आप देख पा रहे हो। तो उस ऑफिस में मैं गया आज और मैंने दो कोड उनको शो किया, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए, दो फोटोग्राफ दिए, उन्होंने संग संग सेम दे दिए, उन्होंने बोला आज या कल तक ये एक्टिवेट हो जाएगी। एक्टिवेशन प्रोसेस जो है आपके मोबाइल पे, वो लोग एक ऑल्टरनेटिव फोन नंबर लेते हैं, उस फोन नंबर पे एक SMS आएगी, SMS आने के बाद आपको कॉल करना पड़ेगा, इस नंबर के पीछे दिया है 1977 कॉल करना पड़ेगा, फिर एक उनका एड्रेस है, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगा, मतलब आप जो डॉक्यूमेंट्स दिए उनके अगेंस्ट में आपको पूछा जाएगा, लाइक आपका घर का एड्रेस है, फिर आपका नाम वगैरह वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़। उसके बाद वो सिम एक्टिवेट हो जाएगी जिसमें आपको 3 महीने का प्रमोशन ऑफर मिलेगा। अभी जैसे आज भी मैंने एक वीडियो बनाया कि आप ये जियो सिम कैसे ले सकते हैं अगर आपका फ़ोन नॉन रजिस्टर्ड है, मतलब जैसे लेनोवो हुआ या फिर ऑनर हुआ जो जियो के साथ अभी एक्टिवेटेड नहीं है, तो उसका एक मैंने अलग से वीडियो बनाया, वो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है कि उसके माध्यम से भी आप सिम ले सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने ऑलरेडी कोड जनरेट कर चुके हैं लेकिन वो कोड ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका, क्योंकि हर एक कोड का जो वैलिडिटी होता है वो 15 दिन का होता है, अगर 15 दिन के अंदर आप नहीं लेंगे तो कोड एक्सपायर हो जाएगा, तो भी आप वो नए कोड जनरेट कर सकते हैं। सो उसका भी प्रोसेस वो वीडियो में है। पहला जो खबर है मोटरोला का जो G4 Play है, जो कुछ दिनों से हम लोग बात कर रहे हो, फाइनली कनाडा में परचेज के लिए अवेलेबल हो गया है और मोटरोला ने कंफर्म किया, मतलब अभी लेनोवो ने कंफर्म किया है कि वो इंडिया में भी बहुत जल्द लॉन्च होगा। ये लॉन्चिंग डेट एग्जैक्टली हम लोग को पता नहीं, लेकिन ये प्रॉबेबली आपका अगले महीने तक हो सकता है। इसका प्राइस जैसे मैंने बताया $199 से $249 के अंदर हो सकता है, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन है प्राइसिंग के बारे में, और बाकी कुछ वैसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आया, तो आने से मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। दूसरा एक खबर है जो लेनोवो की तरफ से, लेनोवो ज़ूक Z2 बहुत ही जल्द इंडिया में आने वाला है, उनके बहुत ही सीनियर कोई एग्जीक्यूटिव ने उन्होंने कन्फर्म किया है कि ये इंडिया में अगले 1 महीने के अंदर लॉन्च होगा, जैसे ये पिक्चर्स उन लोगों की तरफ से आया है। इनके प्राइसिंग के बारे में अभी तक वैसा कुछ खबर नहीं मिला है, लेकिन फ़ोन जैसे उन्होंने बोला है कि अगले महीने तक लॉन्च होगा, तो शायद उससे पहले इसके बारे में और भी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आने से मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अभी तक के लिए गुड न्यूज़ ये है, Z2 इंडिया में लॉन्च हो रहा है विद इन अ मंथ। जो V20 वो इंडिया में बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, IFA में हो सकता है वो लोग अनाउंस करें। सबसे बड़ी बात है V20 इंडिया में रिलीज होने वाला पहला फ़ोन होगा जो Android 7 नगट के साथ आएगा आउट ऑफ द बॉक्स, तो अभी देखते हैं वो जब भी लॉन्च होगा। आई थिंक ये IFA अभी जो मतलब प्रोग्राम 2 तारीख से चालू होने वाला है बर्लिन में, तो हो सकता है उसमें वो लोग लॉन्च करेंगे। मैं पहले टेक सिस्टम ने जैसे आपको बताया था सैमसंग Z2 बहुत जल्दी लॉन्च हो सकता है, लेकिन अभी कंफर्म हो गया है कि इंडिया में उसका सेल बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। इसका प्राइस है लगभग ₹4,590 और जैसे मैं बता रहा था ये जियो सिम के साथ आएगा, मतलब ये 4G एनेबल हैंडसेट है, जियो सिम का जो 90 डेज का प्रीव्यू ऑफर है वो इसके साथ आपको मिलेगी। और जैसे स्पेसिफिकेशन में और एक बार बता दूं, जैसे मैंने बताया प्राइस वो $70 के आसपास है और ₹4,590। ये डेफिनेटली टाइजन पावर्ड स्मार्टफोन है, ये एंड्रॉयड स्मार्टफोन नहीं है आपका। अगला जो खबर है ब्लू की तरफ से, ब्लू प्योर XR जो अभी कंफर्म कर दिया, उनका जो XR मॉडल निकलने वाला है उसमें 4GB का रैम होगा और उसका प्राइस होगा लगभग $299, मतलब वही 20,000 के आसपास उसका प्राइस हो सकता है। स्पेसिफिकेशन अगर देखा जाए 5.5 इंच का फुल HD उनका डिस्प्ले है और 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, 2 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर है जो कोर्टेक्स A53 CPU है और माली T860 GPU आपको मिलता है, 4GB का रैम, 64GB ऑफ स्टोरेज इंक्लूडिंग एक्सपेंडेबल मेमोरी डेफिनेटली, और इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, LTE सपोर्टेड होगा, Cat6 3000mAh का बैटरी है इसमें, Marshmallow 6 के साथ आएगा, 7mm थिकनेस है इसका, मैं काफ़ी थिक है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है इसमें, और 2-3 चीज़ 3D टच फैसिलिटी हो सकता है और 2.5D कर्व्ड गोरिल्ला ग्लास 3 ऑन टॉप। और इसमें अभी तक के लिए तो यही इन्फॉर्मेशन है, बाकी और वैसा कुछ नहीं है, तो जैसे ये ऑफिशियली अनाउंस हुआ है तो डेफिनेटली इसका और भी स्पेक्स जब आएगा हम लोग उसके बारे में विस्तारित रूप से आपको सूचित करेंगे।
अगला न्यूज है ZTE की तरफ से, ZTE X1 7 mini जो जर्मनी में सेल होना स्टार्ट हो चुका है। उसका प्राइस भी $299 है, लगभग वही 20,000 के आसपास इंडियन करेंसी के हिसाब से। और इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकेशन के हिसाब से इसमें लगभग 16 मेगापिक्सल का कैमरा हो सकता है आपका, और 2700 mAh का बैटरी हो सकता है, स्नैपड्रैगन 617 चिपसेट हो सकता है, और मार्शमेलो 6 में ही आ सकता है। तो ये अभी थोड़ा लीक्ड इन्फॉर्मेशन है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अभी तक हम लोग पास नहीं आया, तो उस वो आने के लिए अभी वेट करना पड़ेगा। हालांकि ZTE इंडिया में उतना फेमस नहीं है, लेकिन वो लोग हैंडसेट मैंने कुछ कुछ देखा है, काफी अच्छा बना था। अगला इन्फॉर्मेशन है ऑनर की तरफ से, मतलब हवाई जो ब्रांड है, हवाई इस IFA इवेंट में दो नया हैंडसेट लॉन्च कर सकता है, लेकिन उसका एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है वो क्या लॉन्च करेंगे। लेकिन ये थोड़ा बहुत इंटरनल इन्फॉर्मेशन से हम लोग को मिला है कि वो लोग प्रॉबेबली प्लानिंग कर रहे हैं इस IFA में ही, जो बर्लिन में भी हो रहा है, नया दो हैंडसेट लॉन्च करेंगे। क्या करेंगे अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगला इन्फॉर्मेशन है सोनी की तरफ से, सोनी एक्सपीरिया एक्स कॉम्पैक्ट जो मैंने पहले बताया था, उसका बेंचमार्क रिजल्ट में कुछ उसका स्पेसिफिकेशन निकल गया है। इसमें 4.7 इंच फुल HD डिस्प्ले हो सकता है, 4GB का रैम, 64GB का स्टोरेज, 30 मेगापिक्सल रियर कैमरा एंड 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा हो सकता है। इसमें स्नैपड्रैगन 820 चिपसेट होगा, प्राइस भी काफी है। स्क्रीन मुझे थोड़ा बहुत छोटा लगा, 4.6 इंच, सोनी का हर फोन अच्छा ही होता है लेकिन काफी महंगा होता है। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकेशन तो आप 100% मत लो, क्योंकि अभी अगले महीने के एंड तक हो सकता है इसका प्रॉबेबल कुछ फाइनल इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास आए, तो अभी तक वैसा कुछ कंफर्म है नहीं। लेकिन एक चीज इंटरेस्टिंग हो सकता है इस डिवाइस में, इस डिवाइस का फ्रंट कैमरा से हो सकता है 4K वीडियो भी रिकॉर्ड कर पाओ। तो सभी ये रूमर्ड है, पता नहीं ये कब आएगा, आने के बाद आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। लेकिन ये काफी एक्साइटिंग है, बैक कैमरा से हम लोग को सब मोबाइल पे 4K वीडियो नहीं मिलता, फ्रंट कैमरा से 4K वीडियो, मतलब सोचिए क्या होगा। HTC A9 के बारे में हम लोग सब कुछ जानते हैं, अगर कोई iPhone का सब्सटीट्यूट ढूंढता है डेफिनेटली HTC A9 बहुत अच्छा था, लेकिन अभी लगभग उसका एक साल होने को आया था, HTC ने एक नया फोन ऑलरेडी लॉन्च कर दिया उसका स्पेसिफिकेशन, मतलब ये लॉन्च मतलब थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन इधर उधर से आया है। उसका है HTC One A9s, डेफिनेटली HTC One A9s होगा। इसका स्पेसिफिकेशन लगभग वही 13 मेगापिक्सल का कैमरा हो सकता है, फ्रंट में 5 हो सकता है, और वैसा कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये एक पिक्चर मिला है, आई डोंट नो ये ओरिजिनल है फेक है, लेकिन कोई वेबसाइट से ये रूम का पिक्चर्स मुझे मिला है, मैं सोचा आपसे शेयर करूँ। लेकिन जो भी A9 काफ़ी अच्छा था, अगर A9s आई डोंट नो उससे और भी बेटर स्पेस में बनाएंगे या फिर थोड़ा मिड रेंज के हिसाब से बनाएंगे, तो वो तो जब वक्त ही बताएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये टेक सेशन अच्छा लगा, डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मैं ऐसे ही नए नए वीडियोस रेगुलरली लाने का कोशिश करूंगा। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली डीडारो को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका हेल्प हम लोग को आगे जाने में बहुत मदद करती है। तो अभी तक के लिए इतना ही, देखते रहिए डीडारो। दिस इज योर होस्ट अमित साइनिंग ऑफ फ्रॉम डीडारो, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।